गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज गुड टच एंड बैड टच। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यस्टरडे वी हैव रीड अबाउट टच मींस छूना, या फिर किसी भी चीज को महसूस करना जो हम कौन सेंस ऑर्गन के थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू। आज हम क्या पढ़ेंगे, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, मींस अच्छा टच और बुरा टच। नाउ When some people like our mother or father touch us, we feel comfortable, needed and loved. जब कुछ people जैसे अपने मम्मी पापा अगर अपन को टच करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, प्यार भरा महसूस होता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। You feel nice when you are cuddled by your mother or patted on the back for your awesome achievement. Such touch gives a good feeling. अब इसमें क्या बताया है कि जब आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, कब होता है महसूस, जब आपको अपनी मम्मा से प्यार मिले, या फिर जब भी आपकी कोई अचीवमेंट हो, यानी आपकी जब भी कोई कामयाबी हो, तो आपके जो पेरेंट्स हैं यानी आपके माता पिता आपकी पीठ थपथपाए, तब आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। और ये ऐसा जो टच है उससे हम क्या बोलते हैं, गिव्स गुड फीलिंग, हमें अच्छी फीलिंग्स देता है। मीन्स गुड टच क्या हुआ, एनी टच विच प्रोवाइड विच मेक यू कम्फर्टेबल कॉल्ड गुड टच। ऐसा कोई भी टच जो हमें कम्फर्टेबल करे, हमें सुरक्षित करे, हमें महसूस हो कि हम सुरक्षित है, उस टच को हम क्या बोलते हैं, गुड टच। नाउ व्हाट इज बैड टच। अब बैड टच क्या होता है, Some touches make you feel uncomfortable or can hurt you like hitting, pushing, kicking. अब क्या होता है, कुछ टच ऐसे होते हैं जिसके कारण हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते हैं। ऐसे टच क्या होते हैं जो अपन को हर्ट करते हैं, यानी अपन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो जैसे कि हिटिंग यानी मारना, पुशिंग धक्का देना, किकिंग लात मारना, ये सब। Now any touch that makes you uncomfortable is a bad। ऐसा कोई भी टच जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे, यानी आपको अपने आप को सुरक्षित ना महसूस जब आप कर पाओ, तो ऐसे टच को हम क्या बोलते हैं, बैड टच। नाउ फॉर टुडेज योर होमवर्क, डिफरेंशिएट बिटवीन गुड टच एंड बैड टच।